नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक डंडोतिया और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हम अपने स्पेशल चुनावी शो वोटर बसवाला लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। इस शो के माध्यम से हम जानेंगे जनता के मुद्दे, पिछले 5 साल में सरकार ने कितना किया है विकास और सरकार के कामकाज से कितनी खुश है जनता। इसके अलावा आगामी चुनाव में किस तरह से क्या रहेंगे मुद्दे, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम वोटर का मन टटोलेंगे। और इसके लिए हम शुरुआत करेंगे बस से। इस समय हम मौजूद हैं दीनदयाल बस स्टैंड पर, आप देख सकते हैं ये श्योपुर का दीनदयाल बस स्टैंड है और हम इस बस स्टैंड के अंदर तमाम सारी बसें मौजूद हैं। आज इस शो की शुरुआत करेंगे हम इस बस से। ये बस है जो राजस्थान के जयपुर तक जाएगी और इसमें तमाम यात्री हैं जो मेडिसिन कराने से लेकर के तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए जयपुर जा रहे हैं। कई मजदूर भी इस बस में मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। इस समय मौजूद है सिद्धेश्वर बस में। ये बस है श्योपुर से सवाई माधोपुर होते हुए जयपुर तक जाएगी। इसमें तमाम यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। ये मतदाता हैं, वोटर हैं और आने वाले चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, तो जानने के लिए शुरू करते हैं। भैया, सबसे पहले आपसे, आप सफर कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? दिल्ली में वही शोरूम में जॉब करता हूँ। तो यहाँ कोई जॉब नहीं मिलती क्या? यहाँ पे जी कुछ रोजगार नहीं है। तो एक अच्छे रोजगार होना चाहिए। हाँ जी, का यही कहना है कि यहाँ पर रोजगार की कोई साधन नहीं है, इस वजह से इन्हें जॉब करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। और ऐसे तमाम यात्री इस बस में मौजूद हैं जो अलग अलग काम से दूसरे शहरों को जा रहे हैं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? जी, हम जयपुर जा रहे हैं पेशेंट को दिखाने, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है तो जयपुर जाना पड़ता है। क्या डॉक्टर नहीं है या अच्छा मेडिसिन नहीं होता? अच्छे डॉक्टर भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जाँच के लिए अच्छी मशीनें नहीं है, तो अच्छी तरह की जाँच नहीं हो पाती, इसलिए हमें जयपुर जाना पड़ता है। तो हर बार जयपुर जाते हैं? हर बार जयपुर जाते हैं। तो लंबे समय से परेशानी हो गई, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया क्या? जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं, बदबू आती है, तो लोग वैसे भी नहीं जाते वहाँ पे। क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? देखो, यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठना चाहिए, हॉस्पिटल भी थोड़ा अच्छा हो, जाँच की सुविधाएं अच्छी हो और लोगों को जो फ्री में जो सेवाएं मिल रही है तो अच्छी तरीके से मिले, वो तो एक नाम मात्र सेवाएं दे रहे हैं। अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, इसके बाद में बताया जा रहा है कि सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। देखो, वो तो समय बताएगा, काम चल रहा है, कब सेवाएं देंगे, कब क्या होगा, वो तो बाद की बात है। ऐसे तो हर कोई सरकार प्रलोभन देती है। चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हावी रहने वाले हैं? शिक्षा के ऊपर है, रोजगार संबंधित आर्थिक समस्या भी है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित है, सभी चीज़ें हैं। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है और विकास से कितनी खुश है जनता? हमें तो कुछ विकास नहीं लगता। तो देखिए, इनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है, इस वजह से इनको मेडिसिन कराने के लिए जयपुर जाना पड़ता है। निवाई जा रहे हैं। निवारी क्यों, क्या काम है आपको? काम करने के लिए। काम करने? हाँ। यहाँ रोजगार नहीं मिलता क्या? यहाँ पे मिलता है लेकिन रेट कम है यहाँ पे, इसलिए उधर काम करने जा रहे हैं। बड़े कारखाने नहीं है? कारखाने यहाँ पे नहीं है बड़े, इसलिए हम जा रहे हैं रोड का काम पे। रोड के काम पे? हाँ। और भी मजदूर यहाँ से पलायन करते होंगे? यहाँ से करते हैं, ऐसे छोटे मोटे मजदूरी है। तो यहाँ रोजगार के साधन होना चाहिए। हाँ। तो देखिए, इनका यही कहना है कि ये रोजगार की तलाश में जयपुर जा रहे हैं और लगातार इनकी यही मांग है कि यहाँ पर रोजगार के अच्छे साधन होना चाहिए, ताकि दूसरी जगह पलायन नहीं करना पड़े। दादा, श्योपुर में विकास की बात करें तो कुछ नहीं है। श्योपुर में क्या विकास है? नहीं, गाँव में, श्योपुर में, श्योपुर में होगा तो गाँव में होगा, जब श्योपुर में ही नहीं तो गाँव में क्या काम होगा? शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात, कुछ भी नहीं है। अब कैसे खुल रहे हैं स्कूल, बैठे हैं लोग, फ्री के तनखा ले रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ पर। हाँ, वो तो ठीक है, अच्छा बना, अब आगे तो उसमें क्या सुविधा होगी वो देखें। पुणे में चीते आए हैं? चीते तो बढ़िया, वो आए तो बढ़िया था। ब्रॉडगेज रेल लाइन का भी काम? हाँ, ये सुन रहे हैं अभी तो, आप चल रहा है, अब आ जाए देख ले। तो विकास से कितने खुश हैं आप सरकार के? अब विकास से तो सब खुश है, आप खुश है, आप अलग से अलग खुश होगा सब। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी? अब देखो, हम तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी में देंगे, सीधी सर तो बात है हमारी, तो आ रहे हैं, हम जीते, कुछ भी करो बोलोगे। तो देखिए, इनका यही कहना है कि यहाँ पर विकास के नाम पर जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ
अच्छी खासी दिक्कतें होती हैं। तो श्योपुर में विकास की बात करें तो कितना विकास है? कुछ भी नहीं है, ऐसे बस ऐसे ही है। ना तो डॉक्टर ठीक है, ना कुछ ठीक है। यहाँ पे जन कोटा जाना पड़ता है। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, अभी दिखाया था, यहाँ पे कोई डॉक्टर का सुविधा नहीं थी। डॉक्टर की सुविधा नहीं है, इसके अलावा और बात करें यहाँ पर? हाँ, और जब मैं वहाँ पे गई तो प्रेम सर वहाँ पे एक अस्पताल है, वहाँ पे एक मैडम बैठती है जो पैसे लेती है सरकारी के रूम और सरकारी वो सुविधा मना रहे, और उसके सरकारी और वहाँ से फीस लेती है और डबल और खर्च कर रही है। तो सरकारी अस्पताल में भी फीस ली आती है? हाँ, वहाँ पे फीस लेते हैं लोग, ऐसे करते हैं हमसे भी पैसे ले लेते हैं और बाहर से भी दवाई गोली मंगवा लेते हैं, ऐसे कर रहे हैं। क्या होना चाहिए आपको, क्या लग रहा है किस तरह से विकास होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए चोरी धंधा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे शहर का डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर क्या है, लग रहा है आपको शहर में डेवलपमेंट हुआ है? नहीं नहीं, लेकिन इनका यही कहना है कि स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, जो यहाँ पर सिस्टम है वो ठीक नहीं है, जिसे ठीक किया जाए। इसके अलावा शहर सौंदर्यीकरण की भी यहाँ पर लगातार बातें सामने आ रही हैं, और भी कई मुद्दे हैं, और भी वोटरों से जानने की कोशिश करेंगे। हम तो जयपुर जा रहे हैं, नहीं काम करने जा रहे हैं, काम करने, मजदूरी करने। हाँ। यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती क्या? क्या करें, मजदूरी नहीं देते, मजदूरी करते हैं उनके पैसे भी नहीं देते, क्या करें, क्या खाएंगे हम? तो कितने महीने आप जॉब करते हैं बाहर? 12 महीने भी जॉब कर लेते हैं, 2 साल में भी आ जाते हैं, वही काम करते हैं, वही रहते हैं। तो त्योहार मनाने के लिए केवल आते हैं? त्योहार मनाने के लिए आते हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं। और भी लोग जाते होंगे आपके साथ में? नहीं, मेरा अजमेंट है ना, वहीं रहते हैं। श्योपुर में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है? पता नहीं, उनका तो कुछ करते ही नहीं। आप बताएंगे? तो देखो, ये महिलाएं भी हैं जो भी वहाँ पर मजदूरी करने के लिए राजस्थान जा रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक ही बात सामने आ रही है कि रोजगार के कोई साधन नहीं है। इस वजह से एक अच्छी खासी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ती है, लगातार पलायन यहाँ से लोगों को करना पड़ता है। भैया और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे भी चर्चा करेंगे। भैया आप बताएंगे कहाँ जा रहे हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पटवारी हूँ, सामरसा चौकी पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है चेकिंग में, SST टीम में, तो अभी सामरसा चौकी जाता हूँ। विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है? विकास की बात करें तो काफ़ी हद तक है विकास, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। कुछ चीज़ों में और सुधार की गुंजाइश होना चाहिए, जैसे कि लोग युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जो मेन मुद्दे हैं जनता के, कि सबसे पहले तो अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और युवाओं को रोजगार मिले, तो बेहतर भविष्य होगा और भारत विकास है। सरकार के विकास से जनता आपके बीच रहते हैं, आपको क्या लगता है आपको जनता को सरकार के विकास से? जहाँ तक है सरकार अच्छा काम कर रही है केंद्र में, और आगे भी अच्छा काम करेगी, बाकी कुछ लोगों को कमियां रहती हैं और उनमें भी सुधार होगा। देखिए, इनका कहना है कि कमियां हैं वो सुधार होना चाहिए, लगातार काम की ज़रूरत है और विकास की ज़रूरत है, वो निरंतर होते रहना चाहिए। श्योपुर में शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर रोजगार से जुड़े साधनों की तमाम आवश्यकता है, लेकिन लंबे समय से मांग के बाद भी यहाँ की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं आप? जयपुर। क्या काम से जा रहे हैं जयपुर? जयपुर काम करने जा रहे हैं मजदूरी। क्या रोजगार के कोई साधन नहीं है क्या? देखिए, मजदूर हैं और काम करने के लिए राजस्थान भी जयपुर जा रहे हैं। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? पालीगंज। पालीगंज क्या क्या काम करते हैं? संभल में बोटे चलती है। तो कुलदीप जी आप बताएंगे कि बोटे तो आपकी चल रही है, लेकिन श्योपुर आप आते जाते रहते हैं, किस तरह से यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है? सर जी, वैसे यहाँ का क्या, हमें कम नॉलेज है, वैसे हमारा राजस्थान का रहना है इधर, तो ये सोचो साल 6 महीने में एक बार इधर आना जाना होता है, बाकी सारा काम हमारा वहीं चलता है। आप बताएंगे भाई सब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बगड़ुआ। बगड़ुआ आप बगड़ुआ गए हैं, श्योपुर से ही आप हैं, तो किस तरह से विकास यहाँ हुआ है पिछले 5 सालों में? कहा भी कौन है विकास, कहा कहे कौन है, कच्ची रोड पर जाऊंगा मैं तो। रास्ता नहीं है आपके यहाँ पक्का? नहीं है, नहीं है, बगड़ुआ से रास्ता नहीं है पक्का, चरोद के लिए जाऊंगा मैं। और क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या का है सारी समस्या, पानी की सकी, टंकी भी नहीं है गाँव में, टंकी भी आतंक सिंह बना दी जमीन के अंदर ही, पानी की भी किल्लत है। हाँ, गाँव में नल तो फिर टंकर दिया, पानी की टंकी को नहीं, आतंक सिंह नेक सिंह इतनी ऊंची नहीं है, 3 मंजिल 2 मंजिल, लोगों को दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती है। गरीब 5 साल में कितने विकास हुए क्षेत्र में? आए भी कोई नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, विकास से कुछ नहीं है। आप क्या लग रहा है चुनाव में कांग्रेस बीजेपी?
अब गरीब के लिए तो भाई बीजेपी मान ले बात दे रही है जी, कहीं गिरे गिरे भाई कांग्रेस ने कहीं गिरे माफ कर्जो माफ नहीं हुए, अब बडान को कर्जो माफ हो गया, गरीबन को कुछ नहीं हुए ये रे भाई। बीजेपी कहाँ जा रहे हैं आप? सवाई माधोपुर। क्या काम है आपका? तबीयत खराब है लड़की की, तो दिखाने के लिए तो श्योपुर अस्पताल नहीं है क्या? अस्पताल है, कोई सुविधाएं नहीं है हॉस्पिटल में, कोई सुविधाएं नहीं है बच्चे बच्चे कोई सुविधा नहीं। और क्या? तो क्या हर बार जब भी तबीयत खराब होती है राजस्थान जाते हैं? माधोपुर जाते हैं, मैं तो कुछ भी आराम नहीं होता है यहाँ पे लड़की। माधोपुर डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? जाँच वगैरह की व्यवस्था नहीं? जाँच वगैरह डॉक्टर और डॉक्टर बैठते नहीं है, सही डॉक्टर देखते नहीं है कुछ। देखिए यहाँ पर रोजगार की बात हो या फिर डॉक्टरों की बात हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? माधोपुर। क्या काम है आपको माधोपुर? मैं तो ससुराल आया सर, इसलिए घर जा रहा। आप श्योपुर के रहने वाले हैं? नहीं, गंगापुर सिटी। गंगापुर। भैया आप कहाँ जा रहे हो? मैं दावत दावत जा रहा हूँ। दावत दावत। अच्छा, क्या काम? काम करने जा रहे हैं? नहीं, बीमारी है। अच्छा बीमारी है। हाँ, तो यहाँ इलाज नहीं होता क्या? यहाँ पे यार अच्छे इलाज नहीं करते है, तो इसलिए वहाँ इलाज चल रहा है। वही इलाज चल रहा है। हाँ, तो हर महीने जाते हैं? हाँ अभी जा रहा, दो महीने तीन महीने के गोली ले लेते उसको बाद अभी जा रहा। काफी दिक्कतें भी आती होंगी, आना जाना भी पड़ता है, किराया भी लगता है। हाँ किराया तो लगता है। देखिए ये मरीज है और दिखाने के लिए राजस्थान जा रहे हैं। श्योपुर में विकास की बात करें तो पिछले सालों में कितना विकास हुआ है? 5 सालों से कुछ विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। जैसे यहाँ ट्रेन का काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप आने वाले टाइम में क्या सुविधाएं पड़ेंगी? अभी तक तो कोई बनी नहीं है व्यवस्था, आगे देखो अब क्या होता है। कोई विकास नहीं है। हाँ। तो आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस बीजेपी? आने वाले चुनाव के अंदर आप आगे बताएगी अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप तिलीडेरा से? माधोपुर। तिलीडेरा। आपके गाँव में किस तरह से मतलब व्यवस्था ठीक ठाक है सब कुछ? हाँ जी, काय व्यवस्था कौन है? पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी का कोई टंकी वंकी कुछ, नल वल कुछ भी नहीं है। और रोड है हमारे, रोड बिल्कुल कच्चे रोड है। तो सड़क और पानी की इंतजाम होना चाहिए। हाँ देखिए, इनका कहना है कि गांव में कच्ची सड़क है आज के दौर में भी, और पानी के इंतजाम नहीं है, इस वजह से उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ रही। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? गणित भवन। गणित भवन। बड़े जी जा रहे हैं। आप कौन से गाँव के? नया गाँव। नया गाँव से। आपके गाँव में किस तरह से विकास हो रहा है? पानी नहीं, पानी नहीं है। फिर कहाँ से लाते हैं पानी? तो माड़ में से लाते, माड़ की बोरिंग में। खेतों से पानी लाते हो? खेतों से पानी लाते हो? खेतों से पानी लामा, पानी नहीं है। कितनी दूर जाना पड़ता है पानी के? बहुत दूर जामा, सब सारा दिन पानी में हो जाता है। तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाते होंगे? नहीं होगा मजदूरी, पजूरी पानी भरा कर मजदूरी करा कुछ भी नहीं होगा। तो देखो इनका कहना है कि इनके नया गांव तेह खंड गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से खेतों से कई किलोमीटर का सफर करके ये लोग पानी लाते हैं, काफी दिक्कत है इन्हें। और भी कई लोग यहां मौजूद हैं। भैया आप बताएंगे, आप श्योपुर के रहने वाले हैं आप? हाँ भैया, किस तरह से विकास हुआ है यहाँ पे? विकास क्या होगा, अभी तक तो कुछ थोड़ा बहुत कोई मानो नहीं, तो हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मिलता, लाइन में लगते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो कोई सुनवाई करता ही नहीं है, एक दूसरा कहता है कभी रुको अभी आएंगे ये वो। तो श्योपुर में विकास की बात करें, क्या लग रहा है आपको? विकास तो होना चाहिए सर, होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए विकास में? सब कुछ होना चाहिए बढ़िया से, क्या रोड सड़क नहीं है, डंकी कुछ नहीं है, ऐसे नहर भी खुली चलती है, लोग बाकी मरते हैं, विकास होना चाहिए। विकास क्या समस्या क्या है आपके गाँव में? समस्या में कहा रोड मांग तो वही को रोड ही सड़क नहीं है। हाँ। जनप्रतिनिधि जाते होंगे, उनसे आपने मांग की होगी? जनपद सब सुखेदी का नहीं सुना, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो देखिए इनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सड़क तक नहीं बनवा रहा, या बिजली पानी सड़क रोजगार तमाम ऐसी मांगे हैं। टंकी बनाई नहीं अभी पानी की? हाँ, बस तालाब के अंदर ही बना दी, जब डूब जाती है तालाब में पानी भरता है, तालाब में टंकी बना दी। लेकिन इनका कहना है कि चरोद गांव में तालाब के अंदर टंकी बना दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास हो रहा है आपके गांव में? कुछ नहीं हो रहा। रोजगार की कोई व्यवस्था हो? कोई व्यवस्था। तो क्या रोजगार की तलाश में कहीं बाहर जाना पड़ता है? हाँ बाहर। आप बताएंगे भैया कहाँ गए आप? श्यामला। कहाँ जा रहे हैं? दादरदा। दादरदा। आपके गाँव में अस्पताल है? अस्पताल तो श्योपुर में जो अस्पताल है वहाँ अच्छा इलाज होता है? कुछ भी इलाज नहीं होता है, कुछ भी क्या सुनते नहीं, कोई सब ऐसे
वो तो सब इतना है तो ऐसे खाऊ 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 मच रही है दुनिया में। मैं पानी की रोड की व्यवस्था कुछ भी नहीं। आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो कांग्रेस भी जाए बीजेपी जाए कोई भी नहीं कर रही। वो तो कांग्रेस पार्टी तो सही रहती है, वो तो बीजेपी ने तो क्या आए 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 कर मिली। बीजेपी ने सब तनखा बढ़ा मिली हर चीज की, कुछ भी नहीं है मजा। पेट्रोल पानी पे देगा तो सब चीज पे देखो क्या भी देखो। भैया आप बताएंगे चुनाव आ रहा है लोकसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं कांग्रेस बीजेपी, कौन कौन आ रहा है आपकी बार? इस बार बीजेपी आएगी भैया। किस मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे या कोई और मुद्दा है? विकास के मुद्दे पे आएगी, विकास के मुद्दे पे आएगी। विकास अच्छा किया है सरकार? अच्छा किया। किस तरह से देखते हैं मेडिकल कॉलेज और कूनो में चीता परियोजना की बात हो या फिर ब्रॉडगेज रेल लाइन को, सब अच्छा कर इसके विकास होगा जिले का। और बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा क्या नाम से, और काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा आदमियों का। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है, इस वजह से लोगों को मेडिसिन कराने के लिए राजस्थान जाना पड़ता है रोजगार की तलाश में। दिल्ली, जयपुर और दूसरे राज्यों में यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है, लंबे समय से ये हालात बने हुए हैं। वो चरोद का तालाब है नहीं, ये चोमेर से घेर में लिया बच्चा। कई सारी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है, अनियमितताएं बहुत सारी हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दीपक रंडोतिया, न्यूज 18।